हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि आप 3D लोगो कैसे बना सकते हैं, 3D लोगो बनाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन का यूज करते हैं और कौन सा एप्लीकेशन आप लोग 3D लोगो बना सकते हैं। तो आपको हम बताने वाले कि 3D लोगो बनाने के लिए आप लोगों को एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है, जिस एप्लीकेशन का नाम पिक्सेल है। आप अपने पिक्सेल से ही अपने 3D लोगो को बना सकते हैं, यूट्यूब का लोगो बना सकते हैं, यूट्यूब का बैनर बना सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को तो शुरू दोस्तों, करते सबसे हैं। पहले आपको अपना पिक्सेल ऐप को ओपन कर लेना है। पिक्सेल ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ न्यू टेक्स्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है, सबसे पहले इसको डिलीट कर देना है। तो मैं सबसे पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ जो ऑप्शन है कैंसिल है ना, ओके, तो आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग साइड में देख सकते हैं 3 डॉट का जो ऑप्शन है, तो आपको 3 डॉट पे जाना है। 3 डॉट पे जाने के बाद नीचे लिखा हुआ आएगा इमेज साइज, तो आपको इमेज साइज पे क्लिक करना है। इमेज साइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन है कस्टम का, तो कस्टम पे आपको क्लिक करना है। कस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ यूट्यूब थंबनेल, तो यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करना है। उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप लोगों का जो लोगो का साइज है वो आ चुका है, जो भी आप लोगो का साइज बनाना चाहते हैं अपने मोबाइल से तो आ चुका है। उसके बाद आपको प्लस वाला आइकन पे जाना है। प्लस वाला आइकन पे जाने के बाद टैक्स पे जाना है। टैक्स पे जाने के बाद पेंसिल का जो आइकन दिख रहा है, तो इसके पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ फिर ओके करना है। तो यहाँ आपको टाइप करना है आप अपने लोगो में जो भी वर्ड लिखना चाहते हैं, उसके बाद आपको डाउन करना है। जो भी वर्ड का साइज है, वर्ड का साइज को लंबा थोड़ा बड़ा कर देना है, इसको पूरा 300 कर देना है। अपना वर्ड का साइज को 300 कर देता हूँ। 300 करने के बाद उसको बीच में लाना है। बीच में लाने के बाद इसका कलर को चेंज कर देना है, तो मैं इसका कलर को ब्लैक कर लेता हूँ। पहले आप लोग फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, तो चलिए सबसे पहले मैं इसको फॉन्ट का ही चेंज कर देता हूँ। आपको माई फॉन्ट फॉन्ट पे जाना है। फॉन्ट पे जाने के बाद बोल्ड वाला ऑप्शन है, बोल्ड पे क्लिक करना है। उसका ओके करना है। देख सकते हैं फॉन्ट फॉन्ट मेरा चेंज हो चुका है। उसके बाद आप लोग फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट का कलर को चेंज करने के लिए आपको इस स्लाइड करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ ब्लैक वाला आइकन पर जाना है। उसके बाद ओके कर देना है। देख सकते हैं मेरा फॉन्ट का कलर जो है चेंज हो चुका है। उसके बाद उसको बीच में जो ऑप्शन दिख रहा है साइड में, आपको हम दिखा देते हैं कि साइड वाला जो ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक करना है। तो मैं इस पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ। उसके बाद सही से अपने वर्ड को यहाँ अटैच कर लेना है, सही से इसको बैठाना है। उसके बाद यहाँ फिर क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करना है, इसको बीचों बीच कर देना है। उसके बाद एक PNG को यहाँ ऐड करना है। जो भी मैं यहाँ मटेरियल यूज करूँगा उसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके यूज कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ PNG को यूज कर लेता हूँ। PNG को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इम्पोर्ट में जाना पड़ेगा। इम्पोर्ट में जाने के बाद आपका जो भी गैलरी में रखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली यहाँ ओपन हो जाएगा। तो मैं अपना यहाँ PNG को ले लेता हूँ। मैं अपना फाइल में जाके तो मैं ए वाला PNG को ले लेता हूँ। देख सकते हैं PNG को लेने के बाद यहाँ ओके करना है। ओके करने के बाद इसको खींच के लंबा कर देना है। इसको खींच के लंबा करने के बाद यहाँ ट्रांसपेरेंट वाला ऑप्शन पे जाना है। उस पर जाने को यहाँ सही से इसको बैठाना है। ट्रांसपेरेंट वाला ऑप्शन पे जाने के बाद इसको सही से बैठाना है। तो देख सकते हैं मैंने इसको सही से बैठा लिया। उसके बाद इसको फिर ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको लॉक लॉक वाला ऑप्शन पे जाके इसको हाइड कर देना है। तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ। उसके बाद आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है। प्लस वाला आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो सिंपल से आपको सेप्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ट्रिंगल वाला ऑप्शन को चूज़ करना है। जो ट्रिंगल वाला ऑप्शन है, त्रिभुज का जो जैसा आकार है उसको यहाँ चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद इसको छोटा करके बैठा देना है बीच में लाके, एक बीच में जो खाली जगह आपको दिख रहा है उसमें लाके इसको सही से अटैच कर देना है। इसको सही से अटैच करने के बाद आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो हाइड किए थे PNG को, उस PNG को ऑन हाइड कर देना है। ऑन हाइड करने के बाद इसका एक कॉपी कर लेना है। तो इसका एक कॉपी निकाल लेते हैं। कॉपी निकालने के बाद इसको हल्का सा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको इसके नीचे ला के छोड़ देंगे। नीचे ला के छोड़ने के बाद इसका कलर को चेंज कर देंगे। तो कलर को चेंज करने का वो सिंपल सा कलर पे जाना है, तो इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद इसको वाइट कर देना है। इसका कलर को आपको वाइट कर देना है। वाइट कर देने के बाद इसको अच्छा से अटैच कर देना है। तो मैं इसको सही से अटैच कर लेता हूँ। सही से अटैच करने के बाद इसको जितना भी है इसको सबको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद एक नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद इस चारों को सही टिक करना है। चारों को सही टिक करने के बाद इन चारों को एक साथ जोड़ लेना है। एक साथ जोड़ने के लिए इस पर क्लिक करने के बाद इसका ओके करना है। ओके करने के बाद आप लोग इसको देख सकते हैं कि मेरा चारों एक साथ अटैच हो चुका है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा इस सर्कलर का, इसमें स्लाइड करने के बाद देख सकते हैं इस सर्कलर, इसमें क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद जो भी मेरा व्हाइट आउटलाइन का भाग था वो ऑटोमेटिकली गायब हो चुका है। उसके बाद इसको पूरा 70 तक कर देना है। उसके बाद आपको ओके कर देना है।
ओके करने का तो आपको प्लस वाला आइकन पे जाना है। प्लस वाला आइकन पे जाने के बाद यहाँ जाना है स्टेप्स वाला ऑप्शन पे, इसमें जाने के इसको हल्का छोटा कर लेना है। पूरा छोटा करने के बाद इसको यहाँ ला के छोड़ देना है, इसका साइज को और छोटा करना है, जितना छोटा हो सके उतना छोटा कर लिया। उसके बाद सही टिक करना है। उसके बाद आपको गो वाला गो वैक का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ लिखा हुआ है टू वैक, टू वैक के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। टू वैक के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं जो भी मेरा था ऊपर में वो बैक हो चुका है। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोनों को सही टिक करना है। सही टिक करने के बाद आपको यहाँ कॉम्बिनेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद ओके कर देना है, दोनों एक साइड ज्वाइन हो चुका है। उसके बाद देख सकते हैं लगभग मेरा जो लोगो है कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। उसका अब हमको इसमें कलर डालना है, आप कोई भी कलर डालते डाल सकते हैं। जो कलर वाला ऑप्शन पे जाना है, इसको इनेबल करना है, देख सकते हैं रेड है वाइट है, आपको जो भी कलर डालना है, ब्लैक है। तो एक्चुअली मेरा जो लोगो में लगा हुआ है वो सिल्वर कलर का है, तो मैं इसमें आपको सिल्वर कलर का लगा के दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ इस वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। इस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आप, तो इस वाले ऑप्शन एक यहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको टेक्स्ट टूल करके, तो टेक्स्ट टूल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ इमेज पर जाना है, जो भी आपका बैकग्राउंड यहाँ डाउनलोड किया हुआ है तो उस वाला बैकग्राउंड को यहाँ ले लेना। तो मैं इस वाला बैकग्राउंड को ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ देख सकते हैं इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद देख सकते हैं कि मेरा जो भी बैकग्राउंड था वो यहाँ अटैच हो चुका है। उसके बाद सही टिक कर देना है। सही टिक करने के बाद उसको यहाँ शैडो वाला ऑप्शन पे जाना है, नीचे सेलेक्ट करना है शैडो वाला ऑप्शन को इसको। तो आपको शैडो वाला ऑप्शन पे जाने के बाद इसको इनेबल कर देना है। शैडो वाला ऑप्शन को इनेबल करने के बाद यहाँ आपको जैसे देख सकते हैं जो यहाँ मेरा ब्लर रेडियंस है उसको जीरो कर देना है। इसको जीरो करने के बाद यहाँ कलर को अटैच कर लेना, जो भी आप इसमें कलर चलाना चाहते हैं। तो मैं पिंक ब्लू इसमें डालना चाहूँगा, क्योंकि पिंक ब्लू मेरा जो लोगो में लगा हुआ है वो देखने में ज़्यादा ही काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ एक्स वाई को अपने हिसाब से अटैच कर लेना है, देख सकते हैं मैं इसको अपने हिसाब से डाल देता हूँ, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद जो भी बैकग्राउंड आप लगाना चाहते हैं अपने लोगो के पीछे जो कि देखने में अट्रैक्टिव लगे, तो उस वाला लोगो को यहाँ उस वाला बैकग्राउंड को यहाँ डाल देना। तो इंपोर्ट में जाना है, जाने के बाद सिंपल सा बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है। बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ ओके करना है। तो इसको पहले लंबा कर लेना है, पूरा साइज कर लेना है, जितना भी साइज का आप बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं। तो मैं इसका पूरा 100% कर लेता हूँ, उसको तो ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ इस वाला ऑप्शन पे जाना है, इस वाला ऑप्शन पे जाकर इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको नीचे ला के छोड़ देना है। देख सकते हैं मेरा जो लोगो है वो बन के रेडी हो गया है। उसके बाद इसको अपने हिसाब से साइज को आप लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं, देख सकते हैं आप जितना छोटा बड़ा कर सकते चाहे उतना कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर आपने बैकग्राउंड या लोगों को जो अपने लोगों को HD क्वालिटी में डाउनलोड करने के लिए आपको शेयर वाला ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। शेयर वाला ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ देख सकते हैं कस्टम वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। वेरी हाई हाई मीडियम लो कस्टम अल्ट्रा, आपको अल्ट्रा में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ सेव टू गैलरी का ऑप्शन है, इसमें सेव टू गैलरी पर क्लिक करके आप अपने लोगों को प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी तक के लिए जय हिंद।